ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में नौगजा रोड से गायब हुए युवक के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में अज्ञात शव को अपने बेटे के रूप में पहचान कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और दूसरे ही दिन घर वालों को पता लगा कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो असल में उनका बेटा था ही नहीं, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा अब जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल इंदरगंज थाना इलाके की नौगजा रोड पर रहने वाले जुगल किशोर सिंह अपने घर से गायब थे। परिजनों को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के महाराजा बाड़ा के पास स्थित छतरी पार्क में युवक का शव मिला है। चूंकि जुगल सिंह भी पैरालिसिस थे और जिस युवक का शव मिला वो भी पैरालिसिस था और ऐसे में परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में अज्ञात शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की तो पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं जब दूसरे दिन जुगल के परिजन शमशान घाट पर अंत्येष्टि कर्म के लिए जाने वाले थे तो पता लगा कि जिस व्यक्ति का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया वो उनका बेटा था ही नहीं। उनका पुत्र गिरवाई इलाके में किसी दुकान पर बैठा हुआ है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। तुरंत ही इंदरगंज थाना पुलिस ने नौगजा रोड पहुंचकर गुमशुदा व्यक्ति के मिलने पर उसकी शिनाख्त की और पूछताछ की। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया वो था कौन, जिसके लिए अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कि जुगल तो ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो फिर हमने बोला फोटो तो भेजो उसके, हम तो कल उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करके आए, आज थाने की तैयारी कर लेके जा रहे थे। मैं गिरवाई के थाने के सामने एक मीटर वाला चिकन वाला उसने देख लिया मेरे को बैठा हुआ, तो भगा मैंने मालूम नहीं कर लिया, भगरा रोज तो मेरे को देखता था, ये आए भगरा मेरे को देख के, तो फिर वो लेके आए मेरे ससुराल वालों को। कल मेरा नंद किशोर पिछवा जो बताओ जुगल को आपने कैसे पहचाना, वो किसकी बॉडी थी कैसे? सबसे पहले फेसबुक पे इनकी दीदी ने देखा था इसको, मेरे से बोला फेसबुक पे दिखा के ये जुगल है, और वो थोड़ा सा रोने लगी, तो मैंने बोला मैं इनकी पहले कंफर्म तो करने, तो ये जुगल है कि नहीं। फिर मेरी टीआई साहब से बात हुआ था, टीआई साहब ने बोला था उसको पैरालिसिस है कि यस हाँ पैरालिसिस है। फिर मैंने कन्फर्म कराया उनको दीदी से, कन्फर्म कराने के बाद में फिर मेरी टीआई साहब से बात हुई कि मैंने कि आप इसका और वेरिफिकेशन करना है, तो टीआई साहब ने मेरे को फोटो भेजे थे उसके, दो तीन फोटो जहाँ से बॉडी उठाई थी बाड़े पे से बॉडी उठाई थी इनने, वो छतरी जो पार्क है ना बीच में वहाँ से बॉडी उठाई थी उसकी, तो वहाँ के फ़ोटो दिए, फ़ोटो उसके और जुगल के मैच हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसको भी पैरालिसिस था इसको भी पैरालिसिस था। उसके बाद में पीएम हाउस पे जब उनसे टीआई साहब से मेरी बात हो गया था, तो उनने बोला था आप पीएम हाउस पे चले जाओ जीएच में, फिर हम जीएच में गए। हाँ, ये एक मामला सामने आया है, ये नौगजा रोड के रहने वाले रोहित सिंह हैं। कल इनके परिजनों ने जीएच से एक मृतक को अपना बेटा बनाकर मतलब बताकर और संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने के बाद और कंफर्मेशन करने के बाद उनको अपना बेटा मान के और अपने यहाँ उनको मृत शरीर को लेके आ गए हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। इसके बाद जब जी आज सुबह उसके अन्य क्रियाओं के लिए शमशान घाट जाने वाले थे, उस बीच में इनको खबर मिली कि जिसको ये का अंतिम संस्कार कर दिया वो इनका बेटा नहीं, और इनका बेटा तो गिरवाई क्षेत्र में किसी दुकान के बाहर बैठा हुआ है। सूचना पर से इन लोगों ने जाके उसको देखा है, तो इनका ये जो जुगल किशोर है वो जिंदा अवस्था में यहाँ पर मिल गया है और ये अभी इनके घर पे है। इसी की पूछताछ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।